गर्मी और सूरज की तेज किरणें लोगों को झुलसा रही है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और भीषण गर्मी के कारण घर से बाहर निकलते ही लोगों के कंठ सूखने लगते हैं। घर से बाहर निकलने पर गर्मी की मार से बचने के लिए लोग शुद्ध पेयजल की तलाश करते हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए हुडको सेक्टर के जागरूक नागरिकों ने इस ओर पहल करते हुए 32 बंगला स्थित IG ऑफिस के सामने सेक्टर क्षेत्र से दुर्ग जाने वाले मार्ग पर प्याऊघर का शुभारम्भ पिछले महीने किया। इस प्याऊघर से लोगों को ठंडा पेयजल नसीब हो रहा है। जिला मुख्यालय दुर्ग जाने का मुख्य मार्ग होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। कुछ शासकीय कार्यालयों में अपने कामकाज को लेकर जाते हैं तो कुछ व्यवसायिक व व्यापारिक उद्देश्य से इस मार्ग से आवागमन करते हैं। इस प्याऊघर के खुलने से भीषण गर्मी में लोगों को काफी राहत मिल रही है। हमारे यहाँ पे जो दानदाता दान देते हैं उन सबका मैं मन से धन्यवाद देता हूँ और ऐसा ही सहयोग हमें समाज से मिलता रहे ये अपेक्षा रखता हूँ और निरंतर हम लोग सेवा करते रहें ये हमारी मानसिक सभी मित्रों की इच्छा है। निरंतर हम लोग यूँ ही सेवा देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को साधुवाद। हम लोग का तो बहुत अच्छा लगा इस बार और ज़्यादा लोग पानी पीने वाले आए और दानदाता भी हमको बहुत सारे इस बार मिले जिससे लोगों को भी उत्साह मिला और सबको बढ़िया से जल और नए नए चीज़ पीने के लिए भी मिल रही है। जैसे जलजीरा है, मठा है, आम का पन्ना है, ये लस्सी है और शरबत है, ये चीज़ का वितरण करते हैं। कभी कभी चना का भी वितरण किया जा रहा है, जैसे अभी 30 तारीख को चना वितरण किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि इतनी गर्मी पड़ती है इसमें हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले और एक समाज सेवा भी है। लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग खुद अच्छे समय पर आ रहे हैं, हम उनको सहयोग कर रहे हैं, हम उनके सहयोग से प्रयोग चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी चले, लोगों को राहत मिले इस चीज़ का और लोगों को भला हो। ये हुडको हमारी एक संस्था है। ये हुडको के जितने भी अपन समाज सेवा लोग हैं इनके जरिए ये सेवा दे रहे हैं कि यहाँ कोई दवा भी खुद स्वेच्छा से आते हैं। यहाँ पे लोग इतनी भीड़ रहती है कि सेवा देने में के लिए समय लग जाता है, मिलता नहीं।